कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। आज हम गार्डन फ्लावर बनाएंगे। देखिए ब्यूटीफुल येलो फ्लावर, इसे पैटर्न देखते हैं। देखिए एक फूल के एक पैटर्न, 6 cm का एक पैटर्न, 9 cm का लीफ का पैटर्न और ये कैलेक्स। इस कलर का फैब्रिक यूज होगा, सिल्क फैब्रिक। ये स्टार्च किया हुआ है येलो कलर और ये ग्रीन कलर लीफ्स के लिए, ये स्टार्च है। अब हम इसको, ये देखिए ये हमने इसके पैटर्न कट करके रख दिए लीव्स कैलेक्स। कोशिश करें कोई पेंसिल मार्कर या बॉल पेन वगैरह इस्तेमाल ना करें, ये वुडन स्क्यूअर्स है, इसकी मदद से आप करें। ये शाशलिक बनाने में भी इस्तेमाल होता है, घरों में आमतौर पे मिल जाता है ये। और इसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी किस्म का कोई निशान आपके पेटल्स पे फूल पे वाजे नहीं होगा। और ये क्योंकि स्टार्च पीस हैं और ये बहुत ही आसानी से इस पर निशान आ जाती हैं। ये देखें, ये हम आपको दिखाती हैं, बहुत आसानी से बहुत वाजे निशान, ये देखिए। अब इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, इसको शेप देने के लिए हम ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे। गरम हुआ है मुनासिब, उसको गरम करें ताकि हमारा ये फैब्रिक जल ना जाए। देखें शेप आनी शुरू हो गई। शेप आनी शुरू हो गई। अब इसमें एक फूल लगेगा बॉल की शक्ल का, इससे इसको मज़ीद शेप करेंगे। फैब्रिक है जिससे हम फूल बना रहे हैं, उसको कट करते हैं। तकरीबन 4 cm तक है और ये इसके धागे, इसके कॉर्नर से इस तरह से इसके धागे निकाल लें, इस तरह से इसके धागे निकाल लें। ये देखें इसकी ये शक्ल आ जाएगी, ये शक्ल इसकी आ जाएगी। सेंटर पार्ट तैयार करने के लिए ये 4 नंबर की वायर है, इसको हम क्रेप पेपर के जरिए इसको कवर करेंगे। थोड़ा सा इसको गिरू लगाएं और इसको इस तरह से पूरा कवर कर लें। ये हमने तैयार
तैयार करके रखा हुआ था, इस तरह से जो घुमाए और यहाँ पर बेकिंग ग्लू लगा लें थोड़ा सा, उसको ये चिपक जाए। अब इसको ग्रीन क्रेप पेपर से कवर करेंगे। तैयार है, इसको हमने ग्रीन पेपर से रैप कर लिया। हम इसको फूल की तैयारी का तरीका बताते हैं। ये देखिए शेप देखिए हमने रखा था। अब इसको फूल की मदद ओके यू का ग्लू लगाएं, इसको चिपकाएं, थोड़ा सा ऊपर लें। इसी तरह से कैलस लगाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा यूएच भी लगाइए। लगाने के बाद ग्रीन क्रेप पेपर से इसको कवर करेंगे। ये फिनिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको ज़रूर करें। देखिए कितना फाइन हो गया। अब ये हमारा फ्लावर कंप्लीट है और आप चाहें तो इसके कुछ और फ्लावर्स भी बना लें, और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। Thank you.